नमस्कार दोस्तों, हकीन क्रो इस सॉफ्ट टेक की प्रोग्रामिंग ऐप कुछ इसमें मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम माइल्स को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। दैट मीन यूज़र इनपुट देगा कि भाई इतने माइल्स में कितने किलोमीटर होंगे, तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एक किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं या फिर एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मील में हमारे होते हैं 1.60 अप्रॉक्स किलोमीटर। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल सबसे पहले अपने को हेडर फाइल्स इंक्लूड करानी होंगी, और हेडर फाइल इंक्लूड कराने के बाद मेन फंक्शन लगाएंगे। मेन फंक्शन के बाद हम लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जिसमें कि एक किलोमीटर और एक माइल और एक मल्टीप्लिकेशन जिसकी हमको करनी थी 1.60 की, एक उसको वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, ठीक है। और क्लियर स्क्रीन लगा देंगे जिससे कि हमारा आउटपुट एकदम क्लियर डिस्प्ले हो जितनी बार भी हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं। और उसके बाद हम प्रिंट करते हैं एंटर द डिस्टेंस इन माइल्स और किलोमीटर, जैसा भी हमको बनाना है। अगर हम माइल्स में डिस्टेंस हम प्रिंट कराते हैं एंटर द डिस्टेंस इन माइल्स और उसको स्टोर करा लेंगे एम में, और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे किलोमीटर इक्वल टू 1.60 इनटू माइल्स, और 1.60 हमने स्टोर कराया हुआ है एमआई में। तो अब अपने को क्या करना है, प्रिंट करना है जो कि वैल्यू किलोमीटर में आ चुकी है। तो उसके प्रिंट करने के लिए अपने को लिखना है कन्वर्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर इज परसेंटाइल एफ और कॉमा किलोमीटर, और उसके बाद गेट सीएच करा देंगे जिससे कि हम गेट करेक्टर कर सकें और आउटपुट को देख सकें। तो आइए कंपाइल करते हैं। देखिए कंपाइलेशन टाइम पर 0 एरर है, और उसके बाद हम इसको रन करते हैं, और रन करने पर प्रोग्राम रन हो चुका है और यूज़र से एंटर द डिस्टेंस इन माइल्स ऐसा पूछ रहे हैं। मानो मेरे को 3 माइल पर पता करना है कि 3 माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 3 का लिख कर मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने पर लिखा गया कन्वर्टेड डिस्टेंस इन किलोमीटर इज 4.800 समथिंग। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, बिल्कुल ठीक से एग्जीक्यूट हुआ है, और हमको पता चल गया कि 3 किलोमीटर में हमारे 4.80 अप्रॉक्स माइल्स होते हैं। बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा कि अपने को क्या करना है। अपने को पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, अपने को पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, और हम किस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर का हमने यूज़ किया इस प्रोग्राम में, और किस तरह से यूज़र से वैल्यू ली स्कैन करा के, स्कैन एफ करके हमने यूज़र से वैल्यू ली है, और उसके बाद फंक्शन या फार्मूला यूज़ कराए, और फाइनली हमने जो भी हमारे फार्मूले का आउटपुट आया उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद उसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रोग्राम था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक हिट कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको इसी तरह का स्टेप प्रोवाइड कराता रहूँ। और अगर आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग और अदर प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग भी, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसकी आपको वीडियो चाहिए मेरे से, तो आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, थैंक्स फॉर वॉचिंग।